नमस्कार, मैं एक यादव आज बात करने वाला हूँ नीट TG 2022 के बारे में। तो कंप्लीट एनालिसिस करेंगे 2022 के नीट TG के बारे में। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं उसमें बता दूँ मैं आपको, एग्ज़ाम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम और ड्यूरेशन, लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस एज कम्पेयर टू 2021 एंड 2022, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड, कितने स्टूडेंट्स अपेयर हुए 2022 के नीट PG में, और क्या उम्मीद है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की आपके नीट PG 2022 की। तो अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दूं मैं मोस्टली वीडियोस CPS, FCPS, MD, MS, और NBE के ऊपर ही बनाता हूं। आपको मेरे चैनल पे इन सबसे रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं एग्ज़ाम की। तो जो नीट PG 2022 का एग्ज़ाम था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम था। जो एग्ज़ाम हुआ है वो 21 मई 2022 को हुआ है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल, जैसे मैंने बताया था, ये एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट तक पेटिशन गई, फाइल हुई, स्टूडेंट्स ने, डॉक्टर्स ने धरना दिया, मोर्चा निकाला कि एग्ज़ाम को पोस्टपोन करिए। एजुकेशन मिनिस्ट्री, NCI दोनों की तरफ से आपको कुछ खास रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला पोस्टपोन के रिगार्डिंग। पर इस 2022 के नीट PG के एग्ज़ाम में काफ़ी कंट्रोवर्शियल सीन बना रहा, और एट द एंड कोई रिज़ल्ट दिखना नहीं, और आपको नीट PG 2021 का एग्ज़ाम 21 मई को खैर देना ही पड़ा। तो मैं बता दूँ, जो नीट PG 2021 की काउंसलिंग थी वो लास्ट अप्रैल तक चली, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन या फिर तैयारी का टाइम बहुत कम मिला, वो भी एक मुद्दा था इस पर। और स्ट्रेसफुल माहौल रहा, क्या बताऊँ आपको, काफ़ी डॉक्टर्स कॉल आती थी कि सर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैंने जो मेरी तरफ से बन सकता था मैंने वो किया था उनके लिए, उनको जो मैं समझा सकता था, जो चीज़ें कर सकता था उनके लिए ज़रूर किया है। खैर चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस नीट PG 2022 में आए थे। तो लगभग वहाँ पे 200 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जो टाइम ड्यूरेशन था आपका, 3-3.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन था आपको क्वेश्चन करने का। ईच क्वेश्चन जो वहाँ पे 200 क्वेश्चन थे, वो ईच क्वेश्चन वहाँ पे 4 नंबर का था, 4 मार्क्स का था, और इनकरेक्ट करने पे आपका 1 नंबर बाई 1/4 का डिडक्शन था, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी वहाँ पर थी। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग जो थी क्वेश्चंस का, 200 क्वेश्चंस भी थे, तो इसमें लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या थी, ऑलमोस्ट 200 में से कितने क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट थे, क्या कितने इजी थे, किस लेवल पे थे या मीडियम लेवल पे थे। तो ऑलमोस्ट 90-110 क्वेश्चंस जो सिमिलर थे आपने कोचिंग में या फिर अपने कोचिंग मटेरियल्स, नोट्स, जो आपके लास्ट ईयर के प्रिपरेशन के नोट्स थे, आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से आपको देखने को ही मिले होंगे। खैर 80-90 जो क्वेश्चंस रिमेनिंग थे वो आपको खैर थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल पे थे या फिर मीडियम से थोड़ा ऊपर लेवल के थे, वो देखने को मिले थे। मैं उस पर कंपेरिजन नहीं करूँगा क्योंकि एज ए बियॉन्ड मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पर एज मैंने जो अपने तरफ से रिसर्च की थी उसमें मुझे पता चला 80-90 क्वेश्चंस जो थे वो हाई लेवल स्किल डॉक्टर्स होते हैं या फिर उन डॉक्टर्स या वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो थोड़ा अपना लेवल एक हाई रखते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस होते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए कुछ क्वेश्चंस थोड़े हाई होते हैं, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो उस रैंक को चेंज करते हैं, मिड से हाई की तरफ जाते हैं, तो उनके लिए कुछ क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिले इस बार। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं, और वही एक कंपैरिजन लाते हैं लो स्कोर, मिडिल स्कोर और हाई स्कोर के स्टूडेंट्स में, वही क्वेश्चंस डिफ़िकल्टी या फिर लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज लाते हैं। तो चलिए बात करते हैं किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आए थे। एनाटॉमी में आपके टोटल 68 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, और साइकोलॉजी में 68 का, बायोकेमिस्ट्री में 64 का, पैथोलॉजी में 100 मार्क्स का, ENT में 40, ऑप्थोमोलॉजी में 40, पीडियाट्रिक्स 40, ऑबगाइनी 120, रेडियो, MS सर्जरी और MS ऑर्थो, इतने पोर्शन से आपके टोटल 180 मार्क्स का क्वेश्चन आए थे। MD डर्मा से बात करूं तो 180 लगभग आपको मार्क्स से क्वेश्चन दिखे, MD मेडिसिन में भी 180 मार्क्स से क्वेश्चंस आपको दिखे। ये मैं बता रहा हूं आपको किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आए थे। फोरेंसिक मेडिसिन से ऑलमोस्ट 40 मार्क्स आए थे,
और फार्माकोलॉजी में 80 मार्क्स का पोर्शन आया था और माइक्रोबायोलॉजी में आपको लगभग 80 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिला था। ये हुई बात कितने पोर्शंस, कितने जगह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले नीट पीजी 2022 में। खैर, अब बच्चों की डिमांड ये है या फिर डॉक्टर्स की ये है कि कब रिज़ल्ट निकलेगा, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दो 2022 के नीट में पीजी में अपेयर हुए हैं, तो लगभग 2,06,000 स्टूडेंट्स, जी हाँ 2,06,000 स्टूडेंट्स ने अप्लीकेशन फॉर्म डाला था 2022 नीट पीजी का, जिसमें से 1,83,000 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है इस साल। जी हाँ, 1,83,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और लगभग इसमें जो पासिंग आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी 85,000 से 90,000 स्टूडेंट्स इसमें आपको क्लियर करते हुए ज़रूर देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ कट ऑफ्स की, तो 2020 में जैसे कि आपका 1200 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें से 366 जो कट ऑफ गई थी उस साल 2020 की, पता है मैंने 2020 की जो कट ऑफ गई थी वो 366 गई थी 1200 में से, और 2021 की जो गई थी वो 800 में से 302 नंबर गई थी जनरल वालों की। और 2022 का जो एग्ज़ाम है उसकी जो कट ऑफ मुझे लग रही है 310 या फिर 290, यानी कि 290 से 310 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। मेरिट ज़रूर थोड़ी सी हाई जाएगी इस बार, ये मानता हूँ मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी, पर जो स्टूडेंट्स अप्रॉक्स 450 या 440 ला रहे हैं या 460 तक खींच रहे हैं या 420 प्लस ला रहे हैं वो सेफर जोन में हैं, ईजिली उनको सीट्स मिलेंगी। मैं कहूँगा अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है तो ज़रूर मुझसे बात करें, अगर आप फेल भी हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर रिगार्डिंग कंसल्ट करने के लिए। बाकी आप मुझे नीचे दिए गए हेल्प नंबर पर कॉल कर